आइए देन बेटे, सबसे पहले बात करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। बेटा बेटे, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर आपको फोर रेजिस्टेंस का नेटवर्क दिया हुआ हो और आप इन फोर रेजिस्टेंस को बेटा कुछ इस तरीके से अरेंज कर लें, इन दिस मैनर लेट दिस बी द वे, और इन दिस वे बेटे आपने चारों रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, इमेजिन कर लीजिएगा। एंड इन द मिडल ब्रांच आपने करंट की डिटेक्शन के लिए एक गैल्वेनोमीटर भी अटैच कर रखा है, और फर्दर मोर आपका एक सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है आपने वो भी अटैच किया, ताकि आप अपने इस ग्रुपिंग ऑफ द रेजिस्टर्स जो है आपके, इनको एक रिक्वायर्ड ईएमएफ प्रोवाइड कर सकें। कोई नाम आप इसका ए बी सी डी वगैरह रख लीजिए। इमेजिन कर लीजिए आई करंट आपका एंटर कर रहा है, आप इसको पी क्यू आर एंड एस आपको बेटे इसको बोला करते हो आप। अब आपने अगर आपका ब्रिज कंप्लीटली बैलेंस्ड हो बेटा, तो बैलेंस ब्रिज के लिए बेटा वी कैन से दैट फॉर ए बैलेंस्ड बैलेंस्ड ब्रिज बेटा, वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टर्स पी एंड क्यू इट इज इक्वल टू बेटे आर एंड एस, दिस रेशियो इज बिटे इक्वल। हाउ वी कैन गो फॉर विद दिस इक्वेलिटी ऑफ द रेशियो इज दैट बिटे आप आई करंट यहाँ से एंटर करवा रहे हो, इट इज फाइंडिंग टू ब्रांचेस अहेड ऑफ दिस पॉइंट बेटा। एंड इन दिस ब्रांच इमेजिन कर लीजिए करंट जो है आई वन फ्लो कर रहा है, रेस्ट ऑफ द करंट विल बी बिटे यूअर आई माइनस आई वन, ये करंट आपका बच जाएगा। आई करंट आपना आपका आई वन करंट जब बी पॉइंट पे पहुंचेगा, इट इज फाइंडिंग टू ब्रांचेस अहेड, इसमें से इस ब्रांच में से आई जी करंट फ्लो कर गया, एंड द रेस्ट ऑफ द करंट इज बेटे आई वन माइनस आई जी, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच क्यू। आई जी करंट इज कमिंग इन द गैल्वेनोमीटर ब्रांच बेटा, एंड वेन दिस करंट विल बी रीचिंग एट द पॉइंट डी, वी विल से दैट बेटे ये दोनों ब्रांचेस का करंट मीट कर जाएगा, इट विल बी आई माइनस आई वन प्लस आई जी हो जाएगा, और ये करंट्स यहाँ पे मीट करके आपको टोटल करंट आई दे देंगे बेटा। इस पहले वाले लूप में, लूप नंबर वन अगर आप इसको बोल देते हो, आप अपना किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, जब किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई किया करते हैं ना बेटा, तो लेट अस अप्लाई फ्रॉम दिस पॉइंट ए स्टार्टिंग विद इट विल बी माइनस आई वन इनटू पी एज पर द साइन कन्वेंशंस वी हैव डिस्कस्ड, एंड माइनस आई जी इनटू जी ये वाला, और अब आप करंट के अपोजिट जा रहे हो, इट विल बी आई माइनस आई वन इनटू आर, दिस इज इक्वल टू जीरो बेटा। ये लूप नंबर टू आप चूज कर लीजिए, ये वाला लूप, इसमें आप अप्लाई करिए, राइट फ्रॉम पॉइंट बी स्टार्ट हो जाइए, माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, आप इस करंट के अपोजिट आ रहे हो, प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, और प्लस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू जीरो हो गया बेटा। अब आपका ब्रिज जब बैलेंस होगा तो बी पे और डी पे पोटेंशियल सेम होगा, और इन सिंपल वर्ड्स गैल्वेनोमीटर ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो जाएगा इस इक्वेशन में और इसमें, दोनों में आप गैल्वेनोमीटर करंट को जीरो कर दीजिए, और लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग, माइनस आई वन इंटू पी, ये तो खत्म हो गई बात, प्लस आई माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू जीरो,
इसमें भी जी को जीरो पुट करिए, ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये टर्म और ये टर्म तीनों आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी। माइनस आई वन इंटू क्यू प्लस इट इज आई माइनस आई वन इंटू एस इज इक्वल टू जीरो हो गया बेटा। ये टर्म को इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ इसी इक्वेशन में। माइनस आई वन इंटू पी इट इज माइनस आई वन इंटू आर माइनस आई वन इंटू क्यू इज माइनस आई वन इंटू एस। एक को दूसरे से डिवाइड कर दिया, ये आपके करंट्स कट गए, साइंस कट गए, यू आर लेफ्ट विद पी अपॉन क्यू टू बी इक्वल टू आर अपॉन एस। ये आपका बेटे बैलेंस्ड ब्रिज का इन द एंड रिजल्ट आ जाता है। अब बेटे डियर चिल्ड्रन, यही कंसेप्ट हम जो है अपने स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज पे अप्लाई करने वाले हैं। सो आइए कंसंट्रेट करें मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। और आपको जो मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज के साथ वर्कआउट करना है बेटा, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर और द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो भी आपने कनेक्ट कर रखा है, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। इन द केस ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज आप इसको वर्कआउट करने वाले हैं। आइए बेटे देखें कैलकुलेट करके इसको मीटर ब्रिज का कंसेप्ट हम कैसे स्टडी कर सकते हैं बेटे। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस पार्ट। मीटर ब्रिज और इट इज आल्सो कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। इसमें बेटे आपको एक कॉपर की स्ट्रिप एक वुडन बोर्ड पे फिक्स करके दी जाती है। ये कॉपर की स्ट्रिप है और आप देख रहे हो इसकी काफी विड्थ भी है। इन द मिडल पार्ट आपके पास ये चीज आ गई बेटा, एंड इन द एंड पार्ट आपके पास ये कुछ इस तरीके का सेटअप है, राइट बेटे। और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द स्क्रूज एक वायर कनेक्टेड रहता है, ये कॉन्स्टेंटन या मैगनिन का वायर हो सकता है। और ये सारा एक वुडन बोर्ड के ऊपर सपोर्टेड रहता है और आपने इसके क्रॉस एक बैटरी एमीटर और आप एक रियोस्टेट यूज कर सकते हो और आपने एक की भी यूज कर दी इन दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ द कंपोनेंट्स का। ये चीज बन गई, दिस इज योर रियोस्टेट, ये की है, ये आपका एमीटर और ये सोर्स ऑफ ईएमएफ दैट इज बैटरी। इस गैप के क्रॉस आपने अपना रेजिस्टेंस बॉक्स जो है आर ये कनेक्ट कर रखा है और इस गैप के क्रॉस आपने अपना अननोन रेजिस्टेंस एक्स कनेक्ट कर रखा है। इस गैप के क्रॉस आपने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है, इट इज ऑल ऑन ए वुडन बोर्ड। तो आप वुडन बोर्ड को ऐसे शो कर सकते हैं। एंड डियर चिल्ड्रन, ये गैल्वेनोमीटर से आपने एक जॉकी लगाकर ऐसे अटैच की हुई है, जॉकी आपने देख लिया था लैब में कैसा होता है इन दिस वे। अब आप जब ये सर्किट को स्विच ऑन करेंगे, की इंसर्ट कर देंगे, आप आर की वैल्यू कुछ चूज कर लोगे, 5-10 ओम कुछ ऐसे चूज कर लोगे। एक्स आपका अननोन रेजिस्टेंस है, ये आपको ढूंढना है कितना है। ये जो वायर आप देख रहे हो ये एग्जैक्टली 1 मीटर लॉन्ग वायर है। इसमें इमेजिन कर लीजिए जो स्मॉल आर है इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हमने आर इमेजिन किया। इफ इट इज गिविंग द बैलेंस पॉइंट एट दिस एल पोजीशन से,
ये बैलेंस पॉइंट आ गया आपका, गैल्वेनोमीटर ने कोई करंट शो नहीं किया, इट विल इंडिकेट दैट कि ये लेंथ आपकी एल के बराबर है, स्मॉल एल। आपको पॉजिटिव टर्मिनल जिधर अटैच किया हुआ है उधर से देखना, ये एल, एल आपका बैलेंस लेंथ आ गया। इसका मतलब है इतने पार्ट का रेजिस्टेंस जो है ये एल इंटू आर आ गया, एक सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर था, इतने सेंटीमीटर का एल इंटू आर आ गया। ये बाकी की कितनी बच गई लेंथ, 100 टोटल थी, बीच में से एल को माइनस कर दिया, दिस इज द लेंथ। इसको आप पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा इतने हिस्से का रेजिस्टेंस, राइट। अब आपका अगर ब्रिज बैलेंस है तो आप कहोगे कि इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर है, सो यू विल से दैट आर अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। स्मॉल आर आपका कैंसिल आउट हो गया, आपको एक्स चाहिए था, एक्स आपके पास आ गया 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू द रेजिस्टेंस टेकन आउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स दैट इज कैपिटल आर। तो इस तरीके से आप अपना अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द मीटर ब्रिज और द स्लाइड वायर ब्रिज फाइंड आउट कर सकते हो, और इसमें आपका ये वाला ऑपरेटर इन्वॉल्व रहेगा बेटा, बिल्कुल सेम तरीके से ही आपने प्रैक्टिकली भी इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म करना है। क्लियर टू ऑल बेटे? यस बेटा, दोनों दोनों प्रैक्टिकल में भी पेपर में भी आएगा, दोनों में आएगा ये। एक हमने प्रैक्टिकल किया था लास्ट टाइम, वी आई ग्राफ ड्रॉ किया था, आपने देखा होगा वी आई ग्राफ वाला किया था। उसमें अगर मैं बोलूं प्रैक्टिकल का नाम है, एक्सपेरिमेंट का नाम है टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर बाई प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन बी एंड आई। बेटे आइए थोड़ा सा देखें इसको, ये उन्होंने रेजिस्टिविटी आपको निकालने को कह दिया। आई थिंक आपने पहले रेजिस्टिविटी नहीं रेजिस्टेंस निकाला हुआ है ना बेटा। एक्सपेरिमेंट का नाम डियर चिल्ड्रन है टू कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर बाई प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन बी एंड आई। इसके लिए आप क्या करोगे बेटे, आपका सर्किट सेटअप कुछ ऐसा होगा। ये आपके पास बेटे एक सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब बैटरी है, देन आपने एक एमीटर लगा दिया, देन आपने एक रियोस्टेट भी यूज किया, और आपके पास एक की भी है। यहाँ पे आपने अपना अननोन रेजिस्टेंस जो है ये अटैच कर रखा है, और इसके अक्रॉस आप एक गल्वेनो वोल्ट मीटर जो है ये लगाया करते हो। कनेक्शंस की मार्किंग जरूर कर लेनी है आपने, दिस इज द की, और ऐसे आपने लगा दिया, राइट बेटे। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की कॉइल मत लीजिए, आप एक वायर लीजिए बेटे। यहाँ पे ये आपका मान लो एक वायर है बेटे आपने लिया, और वायर का रेजिस्टेंस हमें नहीं पता कितना है। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी और आई इन दोनों को बेटे प्लॉट कर लेंगे, रीडिंग्स वी की यहां से नोट करके, आई की यहां से नोट करके। आप वी और आई का टेबल बना लोगे ना बेटे, ऐसे चार पांच रीडिंग्स आप ले लेते हैं वी और आई की, उसके बाद आपके पास आ जाएगा बेटे ग्राफ आ जाएगा। आपने वी इस तरफ ले लिया, आई इस तरफ लिया, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन आपने ऑब्टेन कर लिया था। अगर आप इसका स्लोप निकाल लोगे और इसको एंगल को थीटा बोल दोगे, आई अपॉन बी आएगा इसका स्लोप, और ये आपको स्लोप इसका 1/r दे देगा, ठीक है जी। और अगर आप r निकालना चाहते हैं, आप इस स्लोप का उल्टा कर लो, r विल बी इक्वल टू देन ये वाली साइड ओ ए बी ट्रायंगल ले लो, ओ ए अपॉन ए बी कर लीजिए, r निकल गया। मतलब ये यहां तक आपने ऑलरेडी कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे।
अगर आपने आर निकाल लिया, अब आप इस वायर की रेजिस्टिविटी कैसे निकालोगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. वायर का रेजिस्टेंस आर जो है, इट इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए होता है, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, एल इज इट्स लेंथ, ए इज इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बेटा अब आप क्या करिए, इसका वायर का रेडियस जो है ये फाइंड आउट कर लीजिए बाय मेकिंग यूज ऑफ स्क्रू गॉज. रेडियस निकल गया, ठीक है, और आपका डायामीटर जो है ये ट्वाइस द रेडियस हो जाएगा. डायामीटर ट्वाइस द रेडियस हो जाएगा ना. एरिया कितना बन गया, पाई डी बाई टू का स्केयर, कितना बन गया एरिया, पाई आर स्केयर ही होता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन गया पाई डी स्केयर बाई फोर. ए निकाल लिया आपने, लेंथ आपने वायर की पहले ही मेजर कर ली हुई है, सो रेजिस्टिविटी विल बी आर इनटू ए अपॉन एल. एक बात याद रखिएगा, ए को मीटर्स में कन्वर्ट करना नहीं भूलना, एल को मीटर्स में कन्वर्ट करना नहीं भूलना, आपका रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर आपको मिल जाएगा. राइट बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही, सारा ठीक है. और दो छोटे छोटे और एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हैं बेटे हमारे पास, जिनमें आप बेटे दो प्राइमरी सेल्स की ईएमएफ्स कंपेयर किया करते हैं, और उसके बाद आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड आउट किया करते हैं. बेटा मैं दोनों सर्किट्स बनाकर आपको ये कंप्लीटली समझा देता हूं. बेटा टू कंपेयर EMFs of two primary cells. बेटा आप बैटरी एमीटर रियोस्टेट एंड की ये लगा दिया आपने, और ये बच्चों आपका ऑक्सिलरी सर्किट कहलाता है. 100, 200, 300 एंड 400 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, दिस इज गिविंग यू बेटा द ऑक्सिलरी सर्किट. आफ्टर दैट आपने एक सेल अटैच किया, और आफ्टर दैट आपने एक और सेल अटैच किया, यहाँ पे टू सेल टू की वाली टू स्लॉट्स वाली की आपने अटैच की, गल्वेनोमीटर इज विद यू, और आपने ये जॉकी लगा दिया. पॉजिटिव नेगेटिव जरूर मार्क कर देना है आपने, और तभी आपका फिर जो सर्किट है ये ठीक हो पाएगा. What can be done is बेटे आप सबसे पहले की के को इंसर्ट कर दीजिए स्टेप नंबर वन में, आपका ऑक्सिलरी सर्किट जो है दैट विल स्टार्ट वर्किंग, एंड ओवर हियर इन दिस पार्ट यू इंसर्ट द की के वन. के वन की वी हैव इंसर्टेड, देन सेल विद ईएमएफ ई वन दैट विल बी इन द सर्किट. When we will be finding out the balance point with the help of the jockey and the galvanometer, you will say that E1 is proportional to L1. L1 being the balancing length, E1 it will be equal to K L1, K being constant of proportionality. Then we will be eliminating or removing the key from this part and we will be substituting it over here. Let it be called as the key K2. E2 EMF of second cell, it will be proportional to L2, and E2 this is equal to KL2. beta aap inko dono ko results ko compare kar lijiye, ratio le lijiye. When we will be taking the ratio, we will say that E1 upon E2 it is KL1, KL2, K is getting cancelled,
ईएमएफ्स दोनों की जब आप कंपेयर कर लोगे, ये आपकी रेशियो ऑफ द लेंथ की टर्म्स में आपको मिल जाएगी. सो इन दिस वे आप बेटा दो प्राइमरी सेल्स, आपने लेक्लेंथी सेल और डेनियल सेल प्रोबेबली लेबोरेटरी में लिए थे, एक कॉपर वेसल वाला था, एक ग्लास वाला था ना बेटा, तो उनको लेकर आपने किया था. लेकिन बेटे इसमें जितना ये आसान सा यहाँ पे लग रहा है उतना होता नहीं है. जब आप ये सारा सर्किट का सेटअप कर लेते हो, सबसे पहले स्टेप में आपको अपने कनेक्शंस की चेकिंग करनी होती है कि आपके कनेक्शंस ठीक हैं कि नहीं है. उसके लिए आप ऑक्सिलरी सर्किट को ऑन करके कोई की वन, के वन और के टू की में से कोई सिंगल की इंसर्ट करके अपने जॉकी को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टच करके चेक कर लीजिए कि आपका गल्वेनोमीटर जो है अपोजिट साइडेड डिफ्लेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा. इफ इट इज गिविंग अपोजिट साइडेड डिफ्लेक्शन देन दिस इज अ क्लियर कट पॉइंट दैट कि आपका सर्किट बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट बेटे वर्किंग प्रॉपरली अगर आप सिंगल साइडेड डिफ्लेक्शन है. सो वंस द सर्किट इज करेक्ट फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और कनेक्शंस लगाने से पहले आप अपने जो कनेक्टिंग वायर हैं इनके टर्मिनल्स को सैंड पेपर से रब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, नहीं तो फिर आपका कई बार बेटे जो है वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होता. और तीसरी बात, कनेक्शंस आपके लूज नहीं होने चाहिए. अगर कनेक्शंस लूज होंगे तो भी आपका सर्किट प्रॉपरली नहीं चलेगा और आपको प्रॉपरली ईएमएफ जो है वो कंपैरिजन करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. राइट बेटा. देन बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आइए फाइंड आउट करके देखें मेकिंग यूज ऑफ योर पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट. बेटा द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट और अलोंग विद योर थ्योरी पार्ट दोनों में ये आता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूं इससे. इट इज बेटा टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल. प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? ऑक्सिलरी सर्किट विल रिमेन द सेम, बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट एंड द की के, इनको आपने एस एच कनेक्ट कर रखा, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. और डियर चिल्ड्रन ये आपका ऑक्सिलरी सर्किट 100, 200, 300 and 400 ये आपके पास लेंथ बन गई ऑक्सिलरी सर्किट की. इसको पॉइंट को जनरली ए, इसको बी बोला करते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव रियोस्टेट एंड द की के. अब आप क्या करिए, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपने निकालना है वो अटैच कर लिया. अटैच करने के बाद एक गल्वेनोमीटर आपने लगाया, गल्वेनोमीटर को आपने इस जॉकी के साथ कनेक्ट कर दिया. गल्वेनोमीटर का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, याद रखिएगा. और यहाँ पे आपने एक बेटा शंट लगा दिया, दिस इज शंट रेजिस्टेंस बॉक्स छोटा सा, और यहाँ पे एक की आपने और अटैच कर दी. इसको की को आप के डैश की कह सकते हैं. राइट जी. सर्किट लगाने के बाद आप पहले तो कनेक्शन चेक कर लेंगे कि ठीक है कि नहीं ठीक है. दैट कनेक्शंस कैन बी चेक बाई टचिंग द जॉकी एट पॉइंट ए एंड बी. अगर अपोजिट साइड डिफ्लेक्शन है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम आपके सर्किट में है. इसके बाद आप क्या करिए, की के को इंसर्ट करिए. यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्किट आपका चल पड़ा बेटा, और उसके बाद आप की के को इंसर्ट करने के बाद बैलेंस पॉइंट जो है, बैलेंस पॉइंट ये निकाल लीजिए. मान लीजिए आपका जो ईएमएफ है इस सेल का, ये की अभी आपने इंसर्ट नहीं किया,
EMF is proportional to L1 आ गया मान लो, और it is equal to KL1 हो गया, कि आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। सेकंड स्टेप में फिर आपने बेटे क्या करना है, आप की के डैश को इंसर्ट कर दीजिए। के डैश को इंसर्ट किया, एस की कुछ वैल्यू आपने चूज कर ली, राइट। अब आपका इस सेल का करंट इसके अक्रॉस यूज हो रहा है बेटा। अब आपको ईएमएफ नहीं मिलेगी इधर बैलेंस लेंथ जब निकालोगे, आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, दैट विल बी एट ए लेंथ एल टू। आपने यहां से कुछ निकाल लिया, यहां से इंसर्ट कर दिया, बैलेंस पॉइंट निकाल लिया, एल टू लेंथ बन गया, एंड वी इज इक्वल टू के एल टू कह देंगे हम बेटा, राइट। और आप अच्छे से जानते हो हमने किया हुआ है स्मॉल आर, इट इज ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर किया था। आप चेक कर सकते हो हमने जब भी ये डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट किया था। सो स्मॉल आर इज ई आपका है के एल वन, इट इज के एल टू माइनस वन, और आर आपका यहाँ पे ये शंट को चूज किया गया है, के आपका जो है इट इज गेटिंग कैंसल्ड, स्मॉल आर इज एल वन अपॉन एल टू माइनस वन इंटू एस बेटे। तो ये आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हो, राइट बेटा। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड बेटा रिगार्डिंग यूर सर्किट्स, योर प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। ये प्रैक्टिकल्स में भी ऐसे सच ही पूछे जाते हैं। फिर से मैं एक बार नाम ले देता हूँ सबका बेटा। पहला था आपका वीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, फिर हमने उसको अप्लाई किया स्लाइड वायर ब्रिज पे, अननोन रेजिस्टेंस या आपने कोई वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। उसके बाद आपने बात की कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। रेजिस्टिविटी के लिए आप लोगों ने वी और आई कर्व प्लॉट करके आर निकाला, आर को रो इंटू एल बाई ए करके लेंथ निकाल लिया, लेंथ मैयर कर लिया, रो निकाल लिया, सॉरी लेंथ नहीं निकाला। उसके बाद आप दो सेल्स की ईएमएफ्स कंपेयर करना चाहते हैं, आपने दोनों सेल्स अटैच कर दिए और दोनों का बैलेंस पॉइंट देख लिया आपने सर्किट के सेटअप पे, आपका कंपैरिजन हो गया। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है यूजिंग पोटेंशियोमीटर, इसमें आपने पहले विदाउट इंसर्टिंग दिस की ईएमएफ निकाल लिया, देन आपने ये की इंसर्ट करके वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन कर दिया, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया, राइट बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू ऑल बेटा, बाकी का काम फिर बेटे कल करेंगे, थैंक यू ऑल बेटा।